हमारे जो ओबीसी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू जी के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये बहुत ही अच्छा है, एक ऐतिहासिक था, बहुत सारे लोग आए थे, ये विशाल धरना था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी सारे ओबीसी समुदाय से कि हर जाति से उठ के बहुत सारे फॉरवर्ड है जो हमारे साथ खड़े हैं। ये जाति की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक बड़े समुदाय की बात है जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे अपने न्याय से, अपने अधिकार से वंचित है। तो आप देखिए कि हमारा जो राज्य है वो 14% आरक्षण मिलता है, जो कि सबसे कम है पूरे देश भर में। बीपी मंडल ने भी कई कोशिश किया, सब वर्ग के जो भी पिछड़ा वर्ग के जितने भी जात है सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया, पर अब समय आ गया है कि उनके जो संघर्ष है, उनका जो तपस्या, उनका बलिदान है, उसको हम लोग, मतलब उनके सपनों को साकार अब हम लोग के बागदौड़ में ये चीज़ सौंपा गया है। और हम लोग का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का। और आप देखिए 2014 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 27% आरक्षण करने का अनुशंसा भी कर दिया, ये भी बताया कि यहाँ पे 52% जनसंख्या है ओबीसी का। लेकिन इन सब चीज़ों को बीजेपी और आजसू के गठबंधन की सरकार ने कभी इसको कोई भी अनुशंसा लागू नहीं किया। कई सारे अनुशंसाएँ की गई थी उनके द्वारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ों के साथ खड़ी रही है। आप देखिए आज जो भी शैक्षणिक संस्थान है, IIT हो गया, DU हो गया, एम्स हो गया, ऐसे कई मतलब बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पे हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग जो पढ़ पा रहे हैं वो आज आदरणीय सोनिया गांधी जी का देन है, आदरणीय राहुल गांधी जी का देन है। और जो 127वां जो संशोधन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी लागू कराने का जो संशोधन कराया गया वो भी हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा कराया गया, जिसके वजह से आज राज्य को ये पावर है कि आप जातीय जनगणना कराएं, आप ओबीसी जनगणना कराएं, उसको पावर है। पहले केंद्र सरकार करवाती थी तो उसको संशोधन कर दिया गया ताकि अब राज्य सरकार भी करवा सकती है उसको, और ये आरक्षण भी दिला सकती है राज्य सरकार। अब बात आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण का एक लिमिट तय कर दिया गया कि उससे ऊपर आप नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कई ऐसे राज्य हैं जो उससे ऊपर कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। जैसे कि आप तमिलनाडु देख लीजिए, वहाँ पे 69% आरक्षण तक पहुँच गए हैं। तो ये सारा चीज़ कोई बोलता है तो अब ये भटकाने वाली बात है, क्योंकि जनसंख्यानुपात में हमारा जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और इसके लिए सारे ओबीसी समुदाय के हर जाति को, चाहे वो कोई भी जाति के हैं, उनको इसमें एकजुट होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम आरक्षण यहाँ पे ही मिलता है। और अभी हमारा देखिए पंचायत चुनाव होने वाला है, उसमें सिर्फ 14% ओबीसी के मुखिया बनेंगे, मतलब सिर्फ 14% लोग होंगे जो ओबीसी के होंगे। जो वैकेंसीज होंगे उसमें भी आरक्षण जो है वो 14% या उससे कम मिलेंगे। देखिए पेज फंस रहा है कहीं कहीं, कहीं ना कहीं कार्यपालिका, और पिछले बार तो हमने सुना भी नहीं था किसी को बोलते हुए, कोई भी सरकार में, पिछले सरकार में जो बीजेपी और आजसू की सरकार बनी थी गठबंधन की, उसमें ना आजसू पार्टी के द्वारा ना ही बीजेपी पार्टी के द्वारा इन मुद्दों को कहीं भी रखा गया या कोई भी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया गया। अभी जब हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी सरकार है लेकिन हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ में कि इसको हर हाल में लागू करना है। अगर उनकी सरकार नहीं भी की थी तो कोई तो स्टेटमेंट देना चाहिए था किसी विधायक मंत्री को, लेकिन खैर हम लोग करेंगे और पुरजोर तरीके से करेंगे। और हमारे जो ओबीसी के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग इस सरकार से काफ़ी उम्मीद है उनको। और अभी हमारी सरकार अगर कांग्रेस की रहती केंद्र में तो अभी हम लोग को आरक्षण के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन अब हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, बीजेपी सरकार नहीं की, हमारी सरकार करेगी। और इसके लिए जन सैलाब हम लोग लाएंगे और रांची में हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग आके यहाँ पे अपनी ताकत, अपना ताकत का प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो अपना अधिकार है, जो आरक्षण है जनसंख्या के अनुपात में, उसको लेने का काम करेंगे।